जयकारा माता शेरावाली की जय। दोस्तों फाइनली माता रानी का साक्षात जब दर्शन किए ना तो अंदर से एक अलग सी फील आई। जो भी कुछ दुख दर्द थे ना पीड़ा सब खत्म हो चुके भाई। मन कर रहा है कि एक बार भाई डुबकी लगा ले इसमें। भक्तजन जो है अपना चढ़ते जा रहे हैं। अभी लास्ट साइड 262 सीढ़ी बचा हुआ है तो उन्होंने बोला आप लोग कितने लोग हो? तो हम बोले 3 लोग हैं। ये अपना RFID कार्ड हो गया। अभी चलिए पहली बार जा रहे हैं, पहली बार में ही इनका हालत थोड़ा डाउन हो गया है भाई। ये जो सीढ़ी वाला रास्ता है वाकई में थकाने वाला है, जिस वजह से आपको जो है मन आपका लुभावित हो जाएगा। जो एक बार फोटो क्लिक कराना तो बनता है। जय माता दी। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के एक नए ब्लॉग में, एक नए वीडियो में। भाई इससे पहली बार जब हम वैष्णो देवी गए थे तो आप सभी लोगों का काफी कमेंट आया था कि भैया आपने आधा अधूरा काम किया। माता वैष्णो देवी के तो दर्शन कर लिए लेकिन बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन नहीं किए, क्योंकि उस टाइम थोड़ा जल्दबाजी थे। इसीलिए हम जो है माता वैष्णो देवी के दर्शन किए और बाबा भैरवनाथ का दर्शन नहीं किए। और इस बार फिर से हम लोग माता वैष्णो देवी जा रहे हैं और हम 3 लोग हैं। हमारे एक मित्र हैं और एक इधर मित्र हैं। और इस वक्त भाई हमें अभी होटल में होटल से चेकआउट कर रहे हैं। सुबह के 8 बज रहे हैं और निकल रहे हैं भाई सीधा माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए। अभी यात्रा पर्ची भी बनाएंगे, RFID कार्ड भी बनाएंगे, जो जो प्रोसेस होगा सब आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और आज बाबा भैरवनाथ के दर्शन करके ही जाएंगे। बाकी आप सबको अभी थोड़ा रूम दिखा देते हैं। यही भाई हमने कुछ ऐसा रूम लिया था, काफ़ी सस्ता पड़ा था। अगर आप ग्रुप के साथ आ रहे हैं तो भाई आपको काफ़ी अच्छा रूम मिल जाएगा और काफ़ी सस्ते प्राइस में। ये कुछ अपना रूम था, इधर बेड वगैरह हो गया, इधर देख लीजिए TV वगैरह था, इधर अपना मिरर वगैरह था, TV चल नहीं रहा था, ऊपर फ़ैन वगैरह है, मतलब नॉन AC रूम था। और इधर कूलर भी दिया गया था भाई, मस्त नींद आई थी रात में। और इधर अपना छोटा सा बाथरूम भी था, ये देखो ये था भाई बाथरूम, मस्त था बाथरूम एकदम छोटा सा। कुछ ऐसा रूम था, मतलब 600 रुपये का भाई अपने लोगों को ये रूम पड़ा था एक रात के लिए, जिसमें 200-200 हमने डिवाइड कर लिया कंट्रोल करके अपना 3 लोग। अगर आप ग्रुप में आ रहे हैं ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको काफ़ी अच्छा सस्ते में रूम मिल जाएगा। नहीं सिंगल आप आ रहे हैं, सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा आपको महंगा पड़ जाएगा। बाकी चलिए फिलहाल निकलते हैं अपने इस होटल से और माता वैष्णो देवी के दर्शन करते हैं आज। बाकी यही होटल था दोस्तों, रीगल पैलेस, इसी होटल में हम लोग रुके थे रात भर। काफ़ी अच्छा होटल था, सस्ते में हम 3 लोगों का भाई निपट गया रात भर का। 200 रुपये मात्र पड़ा, अभी 600 रुपये पेमेंट किया। क्या पानी भरा। आज का मौसम वैसे भी काफ़ी कमाल का हो चुका है। कल जो है काफ़ी धूप निकली थी जब हम लोग आए थे, लेकिन अभी 8 बज चुके हैं और पूरा एकदम मौसम जो है साफ हो चुका है। हल्की हल्की जो है बारिश की जो है झलक वो देखने को मिल रही है। और अभी हम लोग जो हैं कटरा के मेन बाज़ार जो होता है, मेन बाज़ार से हम लोग अभी एंट्री ले रहे हैं और काफ़ी सारे श्रद्धालुगण भक्तजन जो है माता जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और हम भी भाई अभी जा रहे हैं, देखते हैं कितना देर लगता है भाई हमको ऊपर चढ़ाई करने में। और जो भी जैसा होगा सब आपको दिखाएंगे। ये है भाई अपना कटरा का मेन बाज़ार, काफ़ी सारे यहाँ पर भाई मार्केट लगे हुए हैं इधर ड्राई फ्रूट वगैरह के, काफ़ी बहुत ही बड़ा मार्केट है भाई। अभी भाई चलते हैं, पहले कुछ खाने पीने का भी कुछ फल फ्रूट लिया जाएगा अपने को। और इस एरिया में आपको कई सारे जो है होटल वगैरह देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही आप वहाँ मेन चौक जो है ना, चौक थोड़ा आगे है और ये मेन बाज़ार है, वहाँ पे जैसे ही आप आइएगा तो काफ़ी सारे आपको जो है लोग पूछेंगे भाई होटल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। काफ़ी सारे आपको जो हाथ वगैरह पकड़ के होटल वगैरह के बारे में पूछने लगेंगे। ऐसे ही अचानक से हम लोग आ रहे थे और हमको अचानक से पूछ दिया जाए हाँ भाई होटल वोटल चाहिए। तो हम तो भाई स्टेशन पर रुकने का विचार था, लेकिन भाई बोला स्टेशन पे रुकना भाई सही नहीं है, फिर इंटरनेट का भी काम पड़ेगा, तो इसीलिए हमने जो है एक अच्छा सा सस्ते में होटल ले लिया था भाई। भाई साहब यहाँ से साक्षात दर्शन कर लीजिए माता जी के। अभी जो पहाड़ी देख रहे हैं इसी पहाड़ी पे भाई हम सभी लोगों को अभी चल के पैदल यात्रा करके लगभग 13 से 14 या फिर 15 किलोमीटर की दूरी होगी और पैदल यात्रा करके भाई पहाड़ी पर चढ़ना है और माता रानी के भाई दर्शन करने हैं भाई। यही जो हमने आपको बताया था कटरा का मेन चौक यही है भाई। और इधर जो है आपको जो है अंदर में बस स्टैंड पड़ेगा, बस स्टैंड भी आपको दिखा देंगे। अगर आपको यहाँ से कहीं और जाना है तो बस वगैरह चलते हैं, जैसे कि अगर आप ट्रेन से नहीं आ रहे हैं बस से आ रहे हैं तो बस वगैरह भाई यहीं पे आएगी। तो फिलहाल आपको अभी हम लोगों को RFID कार्ड बनवाना है जो कि यहीं आसपास कहीं बनेगा, किसी से पूछते हैं। वैसे खाने पीने के आइटम भी काफ़ी सारे यहाँ पे मिल रहे हैं भाई, लेकिन अभी सुबह सुबह जो है पहले माता रानी के दर्शन करेंगे, उसके बाद कुछ खाने पीने का आइटम देखा जाएगा। वैसे फल फ्रूट वगैरह मिल जाएंगे। हाँ एक और बात, इसे पिछली बार जो हम लोग गए थे ना तो भाई ऊपर में जितने भी दुकान वगैरह है खाने पीने के, छोटे से लेके बड़े, वो काफ़ी महंगा आइटम बेच रहे हैं। प्राइस जो होता है प्राइस से ओवर प्राइस सभी का जो है प्राइस लिया जाता है, तो इसीलिए कुछ खाने पीने का अगर आप आइटम ले रहे हैं तो नीचे से ही आप लोग खरीद लीजिए, ऊपर में मत लीजिएगा, क्योंकि ऊपर में काफ़ी भाई महंगा पड़ जाएगा। पानी बोतल भी भाई काफ़ी महंगा पड़ेगा। वैसे तो पानी बोतल वहाँ पे
ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि रास्ते में काफ़ी सारे भक्तजनों के लिए पानी की व्यवस्था है। तो यहीं से जो सामान वो खाने पीने का ले सकते हैं भाई। भाई साहब ये जो देख रहे हैं यात्रा पंजीकरण कक्ष, यहीं पे अपना को जो है अपने को जो है RFID कार्ड बनवाना है। और ये जो सामने देख रहे हैं ये चला जाता है भाई बस स्टैंड की ओर। बस ये सामने जो देख रहे हैं बस वगैरह जो लगी है वो बस स्टैंड हो गया, और बगल में यहीं पे जो है अपना RFID भाई कार्ड बनवाना है। चलिए फिलहाल यहाँ से चलते हैं और उस कार्ड को भाई बनवाया जाए फिलहाल, क्योंकि भाई वो कार्ड के बिना ना माता जी का दर्शन अधूरा रह जाएगा, क्योंकि उस कार्ड के बिना हम दर्शन कर ही नहीं पाएंगे, समझे। पहले चलिए फटाफट भाई कार्ड बनवाते हैं हम लोग। और कार्ड बनवाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आपको जो है एक आधार कार्ड का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि आधार कार्ड दिखाएंगे तो वहाँ पे नाम वगैरह जो है नोट करके आपको वो कार्ड बना के दे देंगे भाई। कार्ड की ज़रूरत बेसिकली इसीलिए पड़ती है क्योंकि भाई पहाड़ी एरिया है, अगर आप खो वगैरह जाए तो उसमें एक छोटा सा चिप लगा रहता है जिसकी मदद से जो है आपको खोजा जा सकता है। अगर वो आपके गर्दन में रहेगा ना तो उसमें एक छोटा सा चिप रहेगा भाई। भाई अभी काफ़ी कम भीड़ है भाई, एक तरह से देख सकते हैं अभी उतनी भीड़ वगैरह नहीं है, सावन का महीना है ना इसी वजह से अभी भीड़ वगैरह देखने को नहीं है। ये देख रहे हैं काफ़ी कम लोग हैं अपना लाइन में लगे। दोस्तों फाइनली अपने को जो है ये यात्रा कार्ड मिल चुका है। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं, एक जो है यात्रा पर्ची भी बनती है लेकिन उसका कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये कार्ड बनवा लीजिए, यही आपको जो है मेन हो गया। स्टेशन पर जो है काफ़ी लंबी लाइन लगी होती है तो उस लाइन के चक्कर में आप लोग बिल्कुल मत पड़िएगा, स्टेशन से बाहर आ जाइएगा बस स्टैंड, और बस स्टैंड में भाई यहाँ पे काउंटर रहेगा, मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर में आपको ये कार्ड बन के दे दिया जाएगा। वो यात्रा पर्ची वगैरह कार्ड कोई ज़रूरत नहीं है, बस उसी का अलग अलग नाम दे दिया है, नहीं तो मेन ये अपना RFID कार्ड हो गया। अभी चलिए अपना यात्रा भाई स्टार्ट करते हैं, जय माता दी का नारा लगा के, बोलिए जय माता दी। वो जो दोस्तों रास्ता देख रहे हैं ना वो नया वाला है, तो अभी हम लोग जो है नए वाले रास्ते से नहीं जाएंगे, अभी हम लोग पुराने वाले रास्ते से जाएंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि नया वाला जो रास्ता है ना वो अच्छा तो है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा दूरी उसका पड़ जाता है। पुराना वाला जो रास्ता है ना उसका थोड़ा कम दूरी पड़ता है, वो सीधा हम लोग एकदम खड़ा चढ़ाई मतलब चढ़ेंगे, और नया वाला थोड़ा घुमान ऐसे वैसे करके है तो उसमें दूरी काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है। इधर से आगे से चलो भाई इस यात्रा को भाई हम लोग शुरू करते हैं। अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं भाई। माता रानी की कृपा से दोस्तों हम लोग जो है अभी यात्रा जो द्वार होता है ना उसके मेन गेट पे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे अपना बैग वगैरह स्कैन किया जाएगा, और पिछली बार की तरह हम लोग जो है इस बार फंस गए थे, कैमरा ले गए थे, जिस वजह से हमारा बैग जो है स्कैन करने की वजह से कैमरा हमको वापस से किसी दुकान पे भाई जमा करना पड़ा। और आज जो है हमने पहले ही अपना कैमरा जो एक दुकान पे अपना जमा कर दिया, पिछली बार भी 100 रुपये लगा था और भाई इस बार भी 100 रुपये लगा। लैपटॉप हो गया, कैमरा हो गया, ये सब भाई अंदर ले जाना बिल्कुल भी मना नहीं है। हाँ फ़ोन वगैरह ले जा सकते हैं और फ़ोन से अपना वीडियो वगैरह बना सकते हैं। बाकी यहाँ पे भाई लाइन लगी हुई है, इसी लाइन से अभी हम लोग वहाँ से फिक्सिंग पॉइंट है वहाँ पे बैग जो है स्कैन किया जाएगा, और फिर हम लोग भाई माता रानी की कृपा से अंदर जो है प्रवेश करेंगे और माता रानी की जो है यात्रा चालू करेंगे। अभी नेट जो है 9 बज चुके हैं और 9 बजे हम लोग इस यात्रा को भाई स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से जो मेन यात्रा द्वार है ना वहाँ से भाई चेकिंग प्रोसेस से हम लोग गुजर चुके हैं, यहीं से अभी हम लोग एंट्री हुए थे, और ये रहा भाई भवन जाने का रास्ता। अभी हम तीनों दोस्त जो हैं इसी रास्ते जो है पैदल माता रानी की जो है यात्रा शुरू करेंगे। अभी मैं आपको टाइम दिखा देता हूँ, टाइम जो है करीब 9:25 हो रहा है। टाइम दिखाना भाई कितना हो रहा है, 9:25 हो रहे हैं, और हम लोग जो हैं भवन के लिए यात्रा शुरू करने वाले हैं। देख लो 9:25 हो रहे हैं और यहीं से हम लोग निकल चुके हैं भाई अपना जो गेट होता है जहाँ पे चेकिंग वगैरह होता है बैग वगैरह का। चलो भाई माता रानी की कृपा से जय माता दी बोलो भाई। यहाँ से जो दोस्तों है अपना न्यू ट्रैक जो है नया जो बन चुका है, पिछला बार भी हमने आपको दिखाया था, तो यहाँ से 2 रास्ते हैं जहाँ से भी आप जाना चाहें वहाँ से जा सकते हैं। और पिछली बार वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि जल्दबाजी में हमने माता रानी के दर्शन किए और उसी दिन जल्दबाजी में दौड़ते हुए हम लोग वापस आ गए थे रेलवे स्टेशन, PTN पकड़ना था क्योंकि मेरे दोस्त को भाई कुछ ज़रूरी था, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। अब आज आराम से जाएंगे, माता रानी के दर्शन करेंगे, बाबा भैरवनाथ के दर्शन करेंगे और फिर आराम आराम से भाई हम लोग आएंगे। और क्या बताएं, सब ठीक है ना? बढ़िया भाई, अभी तो जा रहे हो? वो नहीं जा रहे, भीड़ इतना है भाई कि क्या बताएं, सब अपना अपना घूम रहे हैं, लेकिन कैसे भी करके खोना नहीं है हम लोगों को जो है माता रानी के भाई आज दर्शन करना है। देखते हैं 9:30 बजे हमने यात्रा चालू की थी वहाँ से, जैसा हमने आपको बताया, और कितने बजे हम लोग
माता रानी का दर्शन हो पाएगा वो तो भाई वक्त ही बताएगा, वो तो हम पे डिपेंड करता है जो किस हिसाब से हम अपनी कदम को अपने कदम को भाई बढ़ाते चल रहे हैं, समझे। डंटा ले लिए कहाँ से? अरे एक भैया जा रहे थे उनका तो यात्रा संपन्न हो गया, तो हमने बोला भैया दे दीजिए ना डंटा, तो उनका वाला हमने डंटा ले लिया भाई। देख लिए डंटा दूसरे से मांग लिया। अरे कोई नहीं यार, कोई नहीं, चलता है चलता है भाई, दर्शन ही तो करना है, माता रानी का दर्शन करना है, किसी का ले लिया क्या दिक्कत है भाई। भाई साहब ये जो देख रहे हैं ये है भाई बाण गंगा, अगर आप लोग यहाँ पे स्नान वगैरह करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, क्योंकि बिना स्नान किए माता रानी के दर्शन करना भाई सही नहीं है। वैसे तो दोस्तों हम जो है अपने होटल से ही स्नान वगैरह करके आए थे, लेकिन जल का इतना प्रेशर आ रहा है कि मन कर रहा है कि एक बार भाई डुबकी लगा ले इसमें थोड़ा सा, लेकिन देखो क्या होता है। लेकिन काफ़ी सारे जो है भक्तजन इस बाण गंगा में भाई अपना स्नान वगैरह कर रहे हैं। ये देखें इधर से जल देखिए कितनी रफ्तार से भाई आ रहा है, ये देख रहे हैं पूरा जो है जल एकदम पूरा क्लीन है, पूरा फ्रेश है। तो देख लें यहाँ पे सभी भक्तजन जो है अपने अपना बाण गंगा में जो है स्नान कर रहे हैं भाई साहब, ये देखो देख रहे हैं। मेरे दोस्त को जो है पैरों में चक्का बांध दिया गया है, जिस वजह से इनका चाल जो है थोड़ा स्लो हो चुका है। आप स्लो क्यों चल रहे हैं? इतना स्लो नहीं चल रहे हैं, बहुत दिन हो गया ऐसे। हाँ चढ़ाई की वाला, दो साल पहले मैंने चढ़ाई किया था, उस समय मजा आ गया था क्योंकि उस समय बहुत लोग मेरे साथ थे, अब नहीं है वो लोग। अभी भी तो दो लोग हैं ना, तीन दोस्त हैं जा रहे हैं, फिर भी मतलब आपको मतलब वो समझ जाएगा वो आपका क्या फील क्यों आ रहा है, जो आप एकदम लग रहा है कि आपको बुढ़ापा आ गया है, स्लो चल रहे हैं आप, वो वाला फील आ ही नहीं रहा जो मैं उनके साथ था। खैर छोड़ो मजाक की बात दोस्तों नहीं करते हैं। काफ़ी दूरी हमने जो है मतलब काफ़ी नहीं कुछ दूरी हमने तय कर ली है, और अभी 10:30 बज चुके हैं, लगभग एक घंटे का हमने समय भी तय कर लिया है, और अभी कुछ ही देर में माँ चरण पादुका एक मंदिर है वहाँ पहुँचने वाले हैं, और अभी भी काफ़ी सारे भक्तजन जो है आ रहे हैं जा रहे हैं, जिनको चलने में सक्षम नहीं हो भाई अपना पिट्ठू का सहारा ले रहे हैं, लेकिन हम तो भाई अकेले काफ़ी हैं। रास्ते में ये दिखाओ भाई, हमने आपको बताया रास्ते में कुछ अंकल भैया लोग जा रहे थे, तो उनका तो काम हो गया था इसका, तो आज किसी से भी मांगा ना तो हमने मांग लिया, भैया बोले आप दे दीजिए, आपका तो काम निकल गया, अब हम लोग जा रहे हैं चढ़ाई करने तो मदद हो जाएगी हमारी, तो हमने रास्ते में ले लिया था ये। अभी सामने है जस्ट चरण पादुका मंदिर भाई, बीच रास्ते में दोस्तों जगह जगह पे आपको कुछ ऐसे पॉइंट दिख जाएंगे जहाँ का नज़ारा कुछ कमाल का होगा, जिस वजह से आपको जो है मन आपका लुभावित हो जाएगा, जो एक बार फ़ोटो क्लिक कराना तो बनता है। तो अभी कुछ ऐसी जगह हम लोग पहुँचे हैं लेकिन नज़ारा कुछ अलग सा है, तो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो वगैरह खिंचाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए भाई क्या कमाल का नज़ारा लग रहा है ना, नीचे में अपने छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, वहाँ देखिए पहाड़ों के बीच जो है बादलों का जो है पूरा एकदम झुंड जो है वह दिख रहा है, वो जो ब्रिज देख रहे हैं ना, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, हाँ छोटा सा एक मिनट जूम करके दिखा देते हैं, वो देखिए वो जो जूम का ब्रिज देख रहे हैं वही भाई रेलवे ब्रिज है, और जस्ट पहाड़ के पीछे जो है अपना कटरा रेलवे स्टेशन हो गया भाई। इस बार जो हम लोग जा रहे हैं माता वैष्णो देवी की यात्रा करने, माता वैष्णो देवी की दर्शन करने, तो ये मेरा दूसरा बार है, पहली बार भी हम गए थे दोस्तों के साथ, और हमारे दो लोग और हैं, दो दोस्त तुम्हारा भाई, अरे तो पहला बार है ये भाई का, पहला बार है और इसका दूसरा बार, और हमारा भी भाई दूसरा बार, पहले बार में हमने भैरव बाबा के दर्शन नहीं किए थे, तो काफ़ी लोग कमेंट पे कमेंट कर रहे थे भाई आपका यात्रा आपका दर्शन काफ़ी अधूरा रहा, जिस वजह से हमने सोचा था, हमने सोच रखा था कि नेक्स्ट टाइम ज़रूर जाएंगे और बाबा भैरवनाथ के दर्शन करेंगे, तो इस बार जा रहे हैं और इस बार माता रानी के भी दर्शन करेंगे और भैरव बाबा के दर्शन करेंगे, हो सकता है तो रूप भी अगर देखने को मिला, वैसे तो चलता होगा अगर टिकट वगैरह मिल गया, क्योंकि काफ़ी भीड़ रहती है वहाँ पे, तो टिकट वगैरह लेके रूप भी का भी अपना यात्रा करेंगे, उस पर चढ़ के भैरव बाबा के दर्शन करेंगे भाई। फिलहाल हम सभी लोगों ने जो है ये रास्ता छोड़ के अब ये सीढ़ी वाला रास्ता पकड़ा है, इधर से जो है थोड़ी चढ़ाई पकड़ी पड़ेगी सीढ़ी से, लेकिन थोड़ा जो है इसमें ज़्यादा घूमना पड़ेगा, और इसमें एकदम सीढ़ी की सहारे से जो हम लोग ऊपर पहुंच जाएंगे, सीढ़ी की संख्या लगभग कितना है 360 संख्या इस सीढ़ी की,
अभी सीढ़ी की संख्या लगभग 360 है और 360 सीढ़ी पकड़ के हम लोग ऊपर भी पहुंचेंगे। बीच में अगर और भी कहीं सीढ़ी उड़ी मिली तो हम सीढ़ी के सहारे निकलेंगे, क्योंकि उसे थोड़ा जल्दी पहुंचेंगे। हो सकता है मतलब चढ़ाई होगी थोड़ी, थोड़ा थकेंगे भी, लेकिन थोड़ा जल्दी पहुंचेंगे क्योंकि ये शॉर्टकट है भाई। भाई ये जो सीढ़ी वाला रास्ता है वाकई में थकाने वाला है। थोड़ा थक चुके हैं लेकिन फिर भी वो जो घुमावदार रास्ता है ना उससे थोड़ा जल्दी पहुँचेंगे यहाँ से। अभी थोड़ा देर रेस्ट ले रहे हैं भाई। बाकी सामने से जो है अपना रेलवे स्टेशन भी दिख रहा है, वो जो ब्लू ब्लू कलर का जो देख रहे हैं, जूम क्या करें। हाँ वो देखिए, वो जो है वो रेलवे स्टेशन है भाई। और यहाँ पे हम लोग कुछ देर के लिए रुके हुए हैं, साथ में हमारे मित्र जो हैं काफ़ी थक चुके हैं, पहली बार जा रहे हैं, पहली बार में ही इनका हालत थोड़ा डाउन हो गया है। इस सीढ़ी की संख्या दोस्तों 526 है। अगर आप चलने में सक्षम हैं तभी इस सीढ़ी का सहारा लीजिएगा, क्योंकि हमारा मित्र जो है वो तो बोल रहा था कि ना हम नहीं जाएंगे, हमको उसी रास्ते से जाने दो लंबा वाला से। हम बोला ना भाई थोड़ा चल लेते हैं सीढ़ी से, थोड़ा जल्दी पहुंच जाएंगे। थोड़ा थक रहे हैं लेकिन सीढ़ी का सहारे से हम लोग थोड़ा जल्दी पहुँचेंगे भाई। भाई मेरे दोस्त का जो है यहाँ पर हालत डाउन होते हुए इतना बॉडी हालत इसलिए डाउन हो रहा है। हाँ ये जो रास्ते पे हम जा रहे हैं ना सीढ़ी वाले शॉर्टकट पे, वो ऐसे है भाई साहब। अच्छा थकावट ज्यादा कर देती है। हाँ थकावट ज्यादा कर देती है। वो मेन रास्ते जाते ना घूम घूम के जाते, थकावट उतना नहीं होता। लेकिन आप तो बॉडी बिल्डर हैं, फिर कैसे थक गए हैं? किसी का भी बॉडी बिल्डर हो जब स्वेटिंग हो रहा होता है ना तो थकान सबको होता है, शरीर से पानी निकल रहा है ना। अच्छा आपसे तो कमजोर हम है, पतले दुबले भाई हम सा मतलब पतले दुबले हम है, लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ है। सीढ़ी वाले से चलो चाहे जो से चलो, ये बॉडी बिल्डर जिम वाला लड़का बोल रहा है कि हम थक गए। बताओ इंसान है ना जी, ये पाउडर वाला बॉडी बना के यहाँ पे चढ़ाई करने आया है। ले लो मजे। जिम वाला दोस्त हमारा चढ़ नहीं पा रहा है, और जो जिम नहीं किया हुआ है उसको कुछ नहीं हुआ है भाई। और एक मेरा दोस्त नीचे ही बैठा हुआ है, पहली बार जो आया है भाई वो देखो। 9 बजे हम लोगों ने यात्रा शुरू की थी और भाई अभी हालत जो है आदित्य का और यश का पूरा डाउन हो चुका है, लेकिन अभी मेरे अंदर वही एनर्जी बची हुई है और इसी एनर्जी के साथ भाई माता रानी का आज दर्शन कर लेना है। देखते हैं कितने बजे हम लोग पहुंच जाते हैं। बाकी ये जो डंडा है ना ये काफ़ी सहारा दे रहा है हम लोगों को, खरीदा तो नहीं था लेकिन बीच रास्ते में जो लोग भक्तजन अपना माता रानी का दर्शन करके आ रहे थे तो उनसे हमने पंचा मांग लिया, बोले आएंगे तो दर्शन दे देंगे। अभी दोस्तों रास्ते में एक अंकल मिले थे, उनसे थोड़ा हमने बातचीत किया जो कैसे गए कैसे आए कितना समय लगा तो सब चीज़ बताए थे। तो अर्धकुंवारी में जाने का भाई एक आपको जो है टिकट कटाना पड़ता है, मतलब टिकट नहीं एक पर्ची लगता है इस तरह का। पिछली बार भी हम लोग कटाए थे जिस वजह से 2 दिन बाद हमारा नंबर था तो हम जा नहीं पाए थे। तो उन लोगों ने जो है कल यात्रा चालू की थी 1 बजे और शाम 6-7 बजे तक वो लोग पहुँच गए थे। तो कल का उनका ये पर्ची अर्धकुंवारी का, तो उन्होंने बोला आप लोग कितने लोग हो, तो हम बोले 3 लोग हैं। तो ये 2 लोगों का इसमें देखिए, 2 लोगों का इसमें 2 लोग मतलब 2 लिखा हुआ है, तो 2 लोग जो है इस पर्ची से जो है कल का नंबर है, 16 तारीख का ये पर्ची कटाया गया और 2 दिन बाद का जो है डेट इस पे। तो कल हो सके तो अगर हम लोग चाहें तो कल दर्शन कर सकते हैं इस 2 लोग इस पर्ची के सहारे। वो तो देखते हैं भाई, वक्त बताएगा जो दर्शन कर पाएंगे अर्धकुंवारी में या नहीं, या फिर आज ही लौटना पड़ जाए वो तो भाई वक्त बताएगा। बाकी भैया को धन्यवाद कहना चाहेंगे जो ये अपना पर्ची दे दिए उन्होंने अपना। दोस्तों अभी हम लोग जो है कुछ ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जहां से पूरा बादल ही बादल दिख रहा है भाई। नीचे से जो है बादलों का जो वो होता है वो ऊपर की तरफ उठ रहे देख रहे हैं, और यहां जो है रेलवे स्टेशन वगैरह कुछ नहीं दिख रहा है। नीचे से तो दिख रहा था लेकिन यहां पे पूरा बादल ही बादल है चारों तरफ भाई। ऐसा नज़ारा भाई कहीं देखने को नहीं मिलेगा भाई साहब, सही में कमाल का दृश्य देखने में लग रहा है भाई। मतलब जो बॉडी में थकान थी ना वो कुछ ऐसा देखने के बाद पूरा गायब हो चुका है, थकान महसूस ही नहीं हो रहा भाई कसम से। भाई साहब हम लोग जो हैं अर्धकुंवारी पहुंच चुके हैं, वो जो ऊपर देख रहे हैं वो अर्धकुंवारी का मंदिर है। और भाई साहब यहाँ से जो नज़ारे हैं ना भाई, ये देख लो बादलों का जो स्मोक है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जो आ रहा है ना भाई, पूरा एकदम ठंडा ठंडा फील हो रहा है भाई साहब।
मजा आ गया। लेकिन सच में मौसम जो है ना, मतलब नीचे में हल्की जो है धूप देखने को मिली थी, लेकिन अभी भाई साहब पूरा माहौल चेंज हो चुका है, पूरा ठंडा ठंडा एकदम फील आ रहा है भाई। लेकिन एक बात हमने गौर की, इससे पिछली बार जो आए थे ना, तो हम लोग पूरा घुमावदार रास्ते से आए थे, जिस वजह से हमको काफ़ी टाइम लग गया था अर्धकुमारी पहुँचने में। लेकिन अभी जो शॉर्टकट रास्ते से आए, सीढ़ी चढ़ के आए हैं, तो काफ़ी जल्दी हम लोग पहुँच गए। टाइम कितना हो गया भाई दिखाना? टाइम हो गया, मतलब टोटल 10 बजे निकले थे, 10 बजे हम लोग 10 बजे 9:25 में निकले थे, और अभी टाइम 11:52, मतलब कि 12 बज चुके हैं। 12 बजे तक हम लोग जो है अर्धकुमारी पहुँच चुके हैं, और कुछ ही दूर बची होंगी शायद माता रानी के दर्शन करने की। हाँ जितना भी हो, फिलहाल अभी चलते हैं, कुछ देर रेस्ट करते हैं, और थोड़ा जो बिस्किट वगैरह लाए हैं हम लोग थोड़ा खाते हैं, और फिर भाई यहाँ से निकलते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं, और उसके बाद भैरव बाबा के दर्शन करने हैं। भाई साहब हमने नीचे में ही आपको बोला था कि खाने पीने का जो भी सामान वगैरह हो वो आप नीचे से ही खरीद लीजिएगा जब आप चढ़ाई करें, चढ़ाई से पहले, क्योंकि ऊपर में जितना भी सामान वगैरह हो गया, पीने का जो भी नींबू पानी हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गए, सब काफ़ी महंगा मिल रहा है। एक दुकान के अंदर नींबू पानी का प्राइस पूछा तो भाई 30 रुपये, जबकि नींबू पानी का प्राइस यही 10 रुपये होना चाहिए मिनिमम, लेकिन यहाँ पे 30 रुपये बेच रहे हैं भाई। 20 यहाँ पे सब चीज़ जो है काफ़ी महंगा मिल रहा है, इसलिए हमने नीचे से ही अपना गुड्डे बिस्कुट खरीदे थे 35 रुपये का, और वही भाई अभी अर्धकुंवारी में बैठ के खा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी भूख लग चुकी है। तो इसीलिए आप लोग इस रास्ते में कहीं पर भी दुकान वगैरह हो तो वहाँ से अगर सक्षम है तो ले सकते हैं, नहीं तो पैसे काफ़ी लिए जाएंगे आपको इस दुकान वगैरह से, नहीं तो नीचे से ही आप जो है अपना खाने पीने का आइटम ला सकते हैं भाई, जैसे हमने लाया भाई। दोस्तों अर्धकुंवारी पहुंचने के बाद यहां पे जो है माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड की तरफ से जो है भोजनालय का व्यवस्था किया गया है, और काफ़ी किफ़ायती रेट में जो है आपको यहाँ पर नाश्ता वगैरह, वेज थाली, कढ़ी राइस, राजमा राइस, मिक्स दाल राइस, काफ़ी सारे आइटम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, और सबका अपना अपना अलग अलग प्राइस दिया है, तो काफ़ी मतलब एक तरह से बोल सकते हैं तो काफ़ी सस्ते में जो है यहाँ पे अपना खाना वगैरह नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। नहीं तो जो भी दुकान वगैरह है ना वो काफ़ी ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, लेकिन ये जो है इनका ऑफिशियल है, माता वैष्णो देवी की तरफ से जो इनका दुकान है, ये भोजनालय है, वो इनका ऑफिशियल है, जहाँ पे कम प्राइस में, सस्ते प्राइस में जो ऑफिशियल प्राइस है उसी के हिसाब से भाई रेट यहाँ पे देते हैं। भाई हम गए थे फ्रूट बन लेने 10 रुपये का, बट फ्रूट बन भाई था ही नहीं, इस वजह से लाइन में लगे काफ़ी देर, 10-15 मिनट लाइन में लगने के बाद भी असफलता हमको देखने को मिली और कुछ नहीं मिला। यही है भाई अर्धकुंवारी, माता रानी जो है 9 महीने इस गुफा में अपना बिताई थी, और यहाँ पे जाने के लिए आपको जो है पर्ची कटानी पड़ती है, लेकिन हम लोग भाई पर्ची वर्ची अभी नहीं कटाने वाले, क्योंकि 2 दिन का बाद हम लोग का टाइम आने को मिलेगा। ये देख रहे हैं यहाँ से गुफा बनाया गया है, इस गुफा के अंदर से अभी हम लोग जाएंगे, भवन का रास्ता लिखा हुआ है, और सीधे अभी माता रानी के दर्शन करेंगे। देखते हैं अभी 12:30 हो चुके हैं, और कितने बजे तक हम लोग माता रानी का दर्शन कर पाएंगे वो तो भाई वक्त ही बताएगा, लेकिन काफ़ी सारे यहाँ पे भक्तजन जो हैं अपना नीचे में बैठे हुए हैं, जब उनका टाइम आएगा तब जो है वो अपना अर्धकुंवारी में दर्शन करेंगे। भाई काफ़ी लोग ऊपर से दर्शन करके आ चुके हैं, और हम लोग अभी दर्शन करने जाएंगे ही भाई। हालत पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है, लेकिन फिर भी अभी जब तक पहुँचेंगे नहीं, माता रानी के दर्शन नहीं करेंगे, उसके बाद बीच में कहीं नहीं रुकना है। माता रानी के दर्शन होने के बाद फिर भैरव बाबा के भी दर्शन करने हैं, वैसे रूप वे चलता है, लेकिन रूप वे हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि रूप वे में लाइन इतनी लंबी होती है कि उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, इस वजह से पैदल जा रहे हैं, पैदल ही बाबा भैरवनाथ के दर्शन करेंगे, और देखते हैं कितने बजे तक हम लोग वापस लौट पाते हैं भाई, अपना उत्तर संपर्क क्रांति पकड़ाया कि नहीं पिछली बार की तरह, वो तो वक्त ही बताएगा भाई। भाई यहाँ तो पूरा धुआं धुआं दिख रहा है यार, कुछ नज़र नहीं आ रहा नीचे तो, कुछ नहीं, पूरा एकदम बादलों का स्मोक ऊपर आ चुका है, और ये जो रास्ता है ना, रास्तों पे हल्की हल्की जो है स्मोक देखने को मिल रही है भाई साहब। माता रानी की कृपा से दोस्तों हम लोग माता जी के दरबार पहुंच चुके हैं, और ये अपना पार्वती भवन हो गया, और कुछ ही देर में अब हम लोग माता रानी के दर्शन कर पाएंगे, और भाई बारिश जो है रिमझिम बरस ही रही है, अब बस कुछ देर में माता रानी के दर्शन हो जाएंगे, फिर दर्शन करने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे सीधा बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए। और भाई यहाँ पे पता नहीं किस चीज़ की इतनी लंबी लाइन लगी है, क्या अच्छा, हाँ भेंट शॉप है, अगर माता रानी को अगर आप भेंट देना चाहते हैं कुछ भी, तो यहाँ पे लाइन में लग के अपना माता रानी को भेंट दे सकते हैं। बाकी हम लोग अभी सीधा चलते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं,
माता रानी के चढ़ावे के लिए हमने माता रानी का भेंट करने के लिए छोटा सा प्रसाद लिया है अभी तीनों लोगों ने। और पिछली बार जो आए थे ना तो माता रानी के लिए कुछ ले नहीं पाए थे, लेकिन इस बार भाई हमने प्रॉपर माता रानी के लिए एक प्रसाद का थैली ले लिया है वहीं से नीचे में। और अभी जस्ट लाइन में हम लोग लगने वाले हैं और अपना फ़ोन बैग वैग सब जो है लॉकर में हम लोग जमा कर देंगे। जैसा हमने पिछली वीडियो में बताया था जो लॉकर की सुविधा दी गई है तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल मुफ्त निःशुल्क। ये अपना बैग वगैरह जूते वगैरह जो भी सामान वगैरह है मोबाइल वगैरह सब चीज़ जो है लॉकर में जमा करके फिर माता रानी के लिए भाई हम लोग दर्शन करेंगे। अभी जस्ट यहीं से लाइन लगने वाली है, मिलते हैं माता रानी के दर्शन करने के बाद और उसके बाद फिर बाबा भैरवनाथ के भी दर्शन करने हैं, ऊपर चढ़ना है भाई अभी। जयकारा माता शेरावाली की जय। दोस्तों फाइनली हमने माता रानी के दर्शन कर लिए, माँ काली के, माँ वैष्णो देवी के और माँ सरस्वती के। लगभग आधा से एक घंटे का समय लगा हुआ हम लोग लाइन में लग के यात्रा हम लोग की संपन्न हो गई। और पिछले वीडियो में भाई आप लोग कमेंट पे कमेंट कर रहे थे कि भाई आपने बाबा भैरवनाथ का दर्शन नहीं किया, आपका यात्रा अधूरा रह गया। इसीलिए अभी हमने माता रानी के दर्शन करने के बाद हम निकल चुके हैं बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए। लगभग यहाँ से जो दूरी है लगभग 3 या 3.5 किलोमीटर की दूरी होगी, तो पैदल ही हम लोग यहाँ से भाई निकलेंगे अभी। और हमारा जो एक दोस्त तो आगे निकल चुका है और एक पीछे ही बैठ गया, बोला हम नहीं जाएंगे। अब भाई हम ज़बरदस्ती तो नहीं ले जा सकते हैं, वैसे रूप में भी चलता है लेकिन रूप में से इसका लंबा लाइन इतना लगा हुआ है टिकट काटने का कि भाई जितना समय हम उसमें देंगे उससे जल्दी जो है हम पैदल पहुँच जाएंगे बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने। भाई समझ रहे हैं, अभी नेट 4:15 हो रहे हैं, 4:15 बजे तक हमने माता रानी के दर्शन कर लिए। अब देखते हैं यहाँ से कितना दूर लगता है हमको, चलने में कितना समय लगता है और कब तक हम बाबा भैरवनाथ के दर्शन कर पाते हैं और फिर लौट कर कब आते हैं। और दोस्तों एक और बात आपको बता दें, जब माता रानी के अंदर केव में गए थे गुफा के अंदर और माता रानी का साक्षात जब दर्शन किए ना तो अंदर से एक अलग सी फील आई है कि नहीं भाई। हाँ भाई वो अच्छा लगा जब अंदर से उनका दृश्य देखा हमने भाई। वैसे तो मूर्ति के फॉर्म में नहीं, वो पिंड के फॉर्म में, हाँ, हाँ। सरस्वती जी, माँ वैष्णो देवी जी और माँ काली जी, हाँ। तो एक अलग सा वहाँ पे भाई वाइब्स आया, एकदम रोंगटे खड़े हो गए थे भाई दर्शन करने के बाद। और बाहर में चन्नावरी जो पिया ना भाई वो काफी ठंडा था, उसको पीने के बाद बॉडी एक तरह से झनझना गई थी हम लोगों की भाई सही में। अभी बढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी काफी चढ़ाई है, वैसे मौसम पूरा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। मात्र यहाँ से देख लीजिए, हमने 3 किलोमीटर बोला था ना, महज 2 किलोमीटर की दूरी दिखाई जा रही है, हमने थोड़ा गलत बोल दिया था। और 2 किलोमीटर भाई बहुत जल्द पहुँच जाएंगे। चलो बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने हैं, माता रानी की कृपा से वो भी संपन्न हो जाएंगे आज। ज़्यादा सोचना नहीं है, बस 351 सीढ़ी और है, हम लोग पहुँच ही जाएंगे बाबा भैरवनाथ के। जी जी जय माता दी, जय भैरव बाबा की। बस कुछ दूर और है भैया, हमने फिर से सीढ़ियों का सहारा लिया है, वो अपना वो रास्ता छोड़ के सीढ़ी पकड़ चुके हैं और सीढ़ियों के सहारे अभी भैरव बाबा के दरबार पहुंचना है भाई। ये दोस्तों अपना रूप बे जो है आ रहा है, इसका ज़्यादा चार्ज भी नहीं है, मात्र 100 रुपये चार्ज है और 100 रुपये से आप नीचे से सीधा बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए जा सकते हैं। लेकिन यही है कि इसका टिकट लेने में ही इतना लंबा लाइन होता है ना कि लेना पॉसिबल ही नहीं होता है। ये देखो भाई काफ़ी सारे लोग भक्तजन जो है भैरव बाबा के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ओ तेरी दो दो, ये भाई ये भाई ये देखो, एक गया ऊपर और एक जा रहा है नीचे। भाई साहब माता का जो भवन है वो पूरी तरह बादलों में ढक चुका है, ये देख रहे हैं। और ऊपर जो पहाड़ियाँ हैं ऊंची ऊंची, उधर क्या खूबसूरत भाई नज़ारा लग रहा है, देख रहे हैं भाई साहब कसम से, देख के ना काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई। नीचे से अभी माता जी के हम लोग दर्शन किए और जस्ट अभी ऊपर बढ़ रहे हैं बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए। अभी आपने देखा ही रूप वे चल रहा था लेकिन रूप वे में हम नहीं चढ़ पाए, कुछ अलग बात थी, लेकिन पैदल ही हम लोग बाबा भैरवनाथ के दर्शन कर लेंगे। ऐसा मान सभी लोगों का कहना है कि अगर आपने माता रानी के दर्शन कर लिए और बाबा भैरवनाथ के दर्शन नहीं किए तो भाई आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। पिछली बार भी हमने ऐसा किया था लेकिन इस बार ऐसा नहीं करना है। काफ़ी लोग माता रानी के दर्शन करके जो है सीधा घर चले जाते हैं अपने जहाँ जाना होता है, भैरव बाबा के दर्शन कर ही नहीं पाते, लेकिन ऐसा नहीं करना है। माता रानी के दर्शन होने के बाद महज 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पर बाबा भैरवनाथ का जो है मंदिर है वहाँ आपको जाना ही जाना है।
अगर आप पैदल सक्षम नहीं है तो रूप वेव का सहारा लीजिए, वो बनाया गया है। लेकिन फिर भी कुछ लोग जल्दबाजी कर देते हैं, वो चले जाते हैं घर। लेकिन इस बार हमने जल्दबाजी नहीं की, इस बार प्रॉपर बाबा भैरवनाथ का दर्शन करके जाना है भाई। भाई साहब कुछ दूरी तय करते हैं और उसके बाद हम लोग फिर से थक जाते हैं, मतलब अभी जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहे हैं तो सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। जो भी ये लोग ऊपर जा रहे हैं तो उनका सांस धीरे धीरे फूल रहे हैं, हम लोग भी जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं भाई सांस की रफ्तार जो तेज़ होती जा रही है। लेकिन फिर भी बाबा भैरवनाथ के दर्शन करके जाना है तो जाना है। भक्तजन जो हैं काफ़ी सारे अपना बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हाँ ये देखिए, और छोटे छोटे बच्चे भी देखिए बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ये देखिए बड़े लोग थक रहे हैं लेकिन छोटे बच्चे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही यहाँ पे। ये देखिए काफ़ी छोटे बच्चे हैं, एकदम खुशी से अपना सीढ़ी चढ़ रहे हैं। ये देखो भाई जितना तकलीफ़ माता वैष्णो देवी का जो सीढ़ी था उतना चढ़ने में नहीं हुआ, तो उससे ज़्यादा अभी भैरव बाबा का जो सीढ़ी है मात्र 2 किलोमीटर की दूरी है भाई। लेकिन इसी में सभी की हालत ख़राब हो रही है भाई, सांस फूलती जा रही है। लेकिन फिर भी भक्तजन जो हैं अपना चढ़ते जा रहे हैं। अभी लास्ट साइड 262 सीढ़ी बचा हुआ है जो कि हम पूरा कर देंगे कुछ ही देर में। हमारे दोस्त का तो हालत पूरा डाउन हो चुका है, मेरा भी डाउन है, लेकिन भाई पहुंचना है तो पहुंचना है। मम्मी हम तो पापा से भाई बच्चों को ना कोई तकलीफ नहीं हो रही, बच्चे लोग एकदम खुशी से चल रहे हैं, न रुक रहे हैं। तकलीफ हो रही है बड़े लोगों को। बोलिए भैरव बाबा की जय। मेन बात जो है दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन लेवल कम होते जाता है, जिस वजह से चढ़ने में थोड़ी तकलीफ़ होती है, ऑक्सीजन मिलता ही नहीं है भाई, जिस वजह से सभी लोग जो है उनका बॉडी काम करना बंद कर देता है, धीरे धीरे थकने लगता है। वैसे तो हम लोग वैष्णो देवी काफ़ी अच्छे से चढ़ गए थे, वहाँ पे भी काफ़ी लोग मतलब जो लोग आ रहे थे तो थके थे, लेकिन उससे ज़्यादा थकान बाबा भैरवनाथ के दर्शन में होती है। तो बीच रास्ते में आपने देखा होगा उतनी भीड़ वगैरह आपको देखने को नहीं मिली होगी, पूरा रास्ता जो है पूरा खाली था। जो भी लोग आना चाह रहे थे वो ज़्यादातर तो रूपवे से आए हैं और काफ़ी कम ही लोग जो है सीढ़ी का सहारा लेके आए हैं। हम लोग तो भाई पहुँच चुके हैं, अभी दर्शन करते हैं बाबा भैरवनाथ के और इस यात्रा को भाई हम लोग सम्पन्न करते हैं और मनोकामना आज पूरी हो जाएगी पक्का, क्योंकि पिछला बार हमने बाबा भैरवनाथ के दर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन इस बार हम लोग पहुंच चुके हैं बाबा भैरवनाथ के मंदिर में और अब जा रहे सीधा बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने। ये रास्ता भाई अपना प्लेन रास्ता है एकदम समतल, तो काफ़ी भक्तजन जो है इधर से अपना आ रहे हैं, लेकिन हम लोग सीढ़ियों के सहारे अभी इधर से आए हैं तो काफ़ी जल्दी पहुँच गए। और भाई यहाँ पर है लंगर की व्यवस्था, लंगर यहाँ पर चल रहा है, लेकिन अभी पहले हम लोग बाबा भैरवनाथ के दर्शन करेंगे, फिर श्री भैरव लंगर में हम लोग लंगर का प्रसाद थोड़ा ग्रहण करेंगे। भाई पहले चलते हैं बाबा भैरवनाथ के दर्शन करते हैं जल्दी से। भाई साहब काफ़ी तगड़ी लाइन जो है अभी बाबा भैरवनाथ के दर्शन के लिए जो है अभी देख रहे हैं, इतनी लंबी लाइन तो भाई माता वैष्णो देवी का भी नहीं था, लेकिन यहाँ काफ़ी तगड़ी लाइन लग चुकी है। नीचे में जब आ रहे थे तो एक भी भक्तजन नहीं नज़र आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे भक्तजनों की संख्या अभी देखने को मिल रही है। और भाई मौसम आप देख ही रहे हैं पूरी तरह से जो है बदल चुका है, ऐसा लग रहा है कि ठंड के महीने में हम लोग आ चुके हैं, लग रहा है कि कुहासा वगैरह लग चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है, सारा का सारा बादल है भाई। अभी लाइन में लगते हैं और दर्शन करते हैं भाई बाबा भैरवनाथ के। दोस्तों अपनी जो यात्रा थी आज संपन्न हो गई, क्योंकि हमने जो है बाबा भैरवनाथ के जो है दर्शन कर लिए। पिछला जो वीडियो था उसमें हमने जो है सिर्फ माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद सीधा हम नीचे लौट गए थे, लेकिन इस बार प्रॉपर बाबा भैरवनाथ के दर्शन हो गए। वैसे तो लाइन से जा रहे थे लेकिन एक पुलिस वाले भैया आए, उन्होंने बोला जो इधर का वाला गेट खोल दिया और हम लोगों को सभी लोगों को जल्दी से इधर ढुका दिया और बाबा भैरवनाथ के फटाफट हम लोगों ने दर्शन कर लिए। बगल में बाबा भैरवनाथ से उनके बगल में बजरंग बली का भी एक छोटा सा मूर्ति था, दोनों भगवान के हम लोगों ने दर्शन किए। और बाकी अभी हम लोग निकल चुके हैं, वैसे रास्ता जो है यहाँ से भी है कटरा जाने का, और यहाँ से काफ़ी कम दूरी तय करना पड़ेगा हम लोगों को, लगभग 11 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी कटरा जाने के लिए, और अर्धकुंवारी की दूरी महज 5 किलोमीटर की है। जब नीचे से हम लोग जाएंगे तो नीचे से काफ़ी ज़्यादा दूरी पड़ जाएगी, लेकिन मजबूरन अभी हम लोगों को नीचे ही जाना पड़ जाएगा क्योंकि हमारा एक दोस्त नीचे में ही है, वो बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए नहीं आया, तो हम भी मजबूर है। बाकी यहाँ पर लंगर वगैरह है तो अभी जा रहे हैं थोड़ा लंगर वगैरह में थोड़ा प्रसाद वरसाद ग्रहण करेंगे। बाकी यहाँ का व्यू भाई कमाल का व्यू है, काफ़ी सारे भक्तजन जो है यहाँ पे अभी रुक के अपना बैठे हुए हैं और इस
व्यू का आनंद ले रहे हैं। मेरे पीछे अभी आप दिखा दें, देखिए बादलों के ऊपर एकदम बसा बाबा भैरवनाथ का मंदिर है। और यहाँ से अभी आप लुक देख लीजिए भाई, एक तरह से मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से देखो भाई नज़ारे, देखो भाई ये देखो भाई क्या नज़ारे हैं यहाँ से, ये देख रहे हैं भाई साहब पूरा बादल ही बादल नज़र आ रहा है, ये देखो भाई। कहीं पे भी माता रानी का जहाँ पे भवन था वो कहीं पे दिख नहीं रहा, पूरा बादल से इधर ढक चुका है भाई साहब। ये देखो सभी लोग अपना फ़ोटो वगैरह खिंचा रहे हैं, देखिए काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं। भाई सुबह के जो हैं 9:30 बजे के करीब में हमने यात्रा स्टार्ट की थी, शायद 10 बजे हमने बोला हुआ, कंफर्म नहीं, हमको भूल गए हैं। और नेट अभी रात के 9:30 बज चुके हैं और अभी हम लोग पहुंच गए हैं भाई श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन, और हम लोग यहां से जा रहे हैं। तो लगभग 12 घंटे हमको लग गए भाई यात्रा को, हमने सम्पन्न किया, माता वैष्णो देवी के दर्शन भी किए, भैरव बाबा के भी दर्शन किए। और जब ऊपर में भैरव बाबा के दर्शन करने गए थे तो भाई हमने लंगर का भी वहाँ पे आनंद लिया था, लंगर चल रहा था सभी लोगों के लिए, तो हमने लंगर खाया था। बाकी दोस्त जो है अपना ये नीचे ही रह गया, इसने भैरव बाबा का दर्शन नहीं किया, तो इसकी यात्रा भाई अधूरी रह गई। ऐसा लोग क्या कल भी आ जाएगा, हाँ तुमको क्या कल भी आ जाएगा, इसको बात छोड़ दे। लेकिन हमारी यात्रा भाई पूरी सम्पन्न हुई, हम लोग पहुँच चुके हैं भाई, ये सामने देख लो श्री माता वैष्णो देवी कटरा का रेलवे स्टेशन है। और यहीं से 10:30 बजे की हम लोगों की ट्रेन है जो कि हम पकड़ के सीधा दिल्ली निकलेंगे। तो आज का व्लॉग, आज का ये आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। कटरा से हमने माता वैष्णो देवी की यात्रा चालू करी और ये यात्रा हमारी संपन्न हुई क्योंकि भैरवनाथ जी के हमने दर्शन कर लिए भाई, समझे। बाकी ब्लॉग बताना ज़रूर कॉमेंट करके, मतलब रेलवे से थोड़ा हट के बनाए हैं भाई क्योंकि काफ़ी लोग रेलवे का कंटेंट देखते हैं, लेकिन ये भी कंटेंट भाई देखना। मिलेंगे बहुत जल्द एक नए ट्रेन जर्नी या फिर एक नए रेलवे स्टेशन वाले वीडियो के साथ। लाल स्टेशन पे आ चुके हैं, मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा दीजिए हमको श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से। और क्या यही बोलेंगे, लास्ट में बोलना चाहेंगे जय माता दी, बाय बाय टाटा, जय हिंद वंदे मातरम।